दोस्तों अशोक लीलैंड एक ऐसी कंपनी है जिनके द्वारा बनाए गए व्हीकल्स से हम सभी ने सफर किया होगा, क्योंकि आज भारतीय सड़कों पर चलने वाली हर 5 में से 4 बसें अशोक लीलैंड की ही होती हैं। यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना द्वारा भी चले जाने वाली मजबूत और भरोसेमंद ट्रक को यही कंपनी बनाती है, और यही वजह है कि अशोक लीलैंड को आज भारत की वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में शुमार किया जाता है। अब कार्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से शुरुआत करने वाली यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन निर्माता और बस निर्माता कंपनी आखिर किस तरह से बनी, और भारत के विकास में इस कंपनी के योगदान को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, यही सब हम आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अशोक लीलैंड आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी बस निर्माता और ट्रक निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत भी भारत की दूसरी बड़ी कंपनियों की तरह ही एक बेहद छोटे स्तर से हुई थी। दरअसल अशोक लीलैंड कंपनी की स्थापना सन 1948 में पंजाब के रहने वाले रघुनंदन सरन नाम के एक फ्रीडम फाइटर के द्वारा की गई थी, और उस समय उन्होंने अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम पर अपनी इस कंपनी का नाम भी अशोक मोटर्स रखा था। अब रघुनंदन सरन जी की अगर बात करें तो अपनी इस कंपनी को स्थापित करने से पहले यानी कि देश के आजाद होने से पहले वे रावलपिंडी शहर में अपने पिता की एक गाड़ियों की वर्कशॉप चलाया करते थे। उनके पिता उस समय के जाने माने एक रईस आदमी थे जिनकी शोहरत के चलते लोग रघुनंदन सरन जी को भी पहचानते और इज्जत देते थे। लेकिन दोस्तों रघुनंदन जी को यही चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ अलग करके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, और इसी इरादे से ही उन्होंने अशोक मोटर्स के रूप में अपनी खुद की ऑटोमोटिव कंपनी शुरू की थी, जो कि शुरुआत में इंग्लैंड से गाड़ियों के पार्ट्स को इंपोर्ट करके भारत में ऑस्टिन कंपनी की कार्स को असेंबल और मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी। इस कंपनी का पहला हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में बनाया गया था, जहां पर 1949 में पहली बार इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ऑस्टिन कंपनी की A40 कार का स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया गया था। अब यूं तो उस समय इस कंपनी का यह कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रघुनंदन जी को यह बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उस समय के नए आजाद हुए भारत के विकास के लिए पैसेंजर कार्स से कहीं ज्यादा जरूरत कॉमर्शियल व्हीकल्स की थी, और चूंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि खुद से पहले देश के बारे में सोचते थे, इसीलिए उन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए ब्रिटिश कंपनी लीलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी, ताकि इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में भी कॉमर्शियल व्हीकल्स का निर्माण किया जा सके। और दोस्तों इसके बाद आर्थिक मदद के लिए मद्रास राज्य सरकार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रघुनंदन जी की इस कंपनी में पैसा भी इन्वेस्ट किया। लेकिन इससे पहले कि अशोक मोटर्स व लीलैंड मोटर्स कंपनियों के बीच में कोई डील साइन हो पाती, दुर्भाग्य से सन 1953 में एक एयर क्रैश दुर्घटना के चलते रघुनंदन जी का देहांत हो गया, और उनके देहांत के बाद से कंपनी की बागडोर मद्रास राज्य सरकार व कंपनी के कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स के हाथों में आ गई। अब चूंकि रघुनंदन जी मरने से पहले ही लीलैंड मोटर्स के साथ में पार्टनरशिप की बातचीत शुरू कर चुके थे, इसीलिए उनकी मौत हो जाने के बाद से राज्य सरकार व शेयर होल्डर्स के द्वारा इस डील को पूरा किया गया, जिसके बाद से सन 1954 में इंग्लैंड की लीलैंड मोटर भारत की अशोक मोटर्स के साथ जुड़ गई, और इस तरह से कंपनी का नाम अशोक मोटर्स से बदलकर अशोक लीलैंड रख दिया गया। और दोस्तों इसके बाद से कंपनी ने अपना पूरा ध्यान पैसेंजर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर कॉमर्शियल व्हीकल बनाने पर लगाया, जिसके चलते अशोक लीलैंड के एन्नोर प्लांट के अंदर कंपनी ने पहली बार कॉमेट 350 ट्रक का निर्माण किया, जिसे कि मैंगलोर के एक टाइल फैक्ट्री को बेचा गया था। दोस्तों लीलैंड मोटर के साथ जुड़ने का कंपनी को यह बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अशोक लीलैंड एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बसें और ट्रक भारतीय मार्केट के अंदर सबसे पहले लाने लगा। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी तो फिर उस समय टेक्नोलॉजी को सबसे पहले भारत में लाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड ही होती थी। यहाँ तक कि भारत में डबल डेकर बस का कॉन्सेप्ट भी अशोक लीलैंड ही लेकर आई थी, जिसके चलते सन 1967 में पहली बार भारत की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ी थी, जबकि उस समय सिर्फ अमेरिका और यूरोप के ही कुछ देशों में इस बस का कॉन्सेप्ट आया था। और दोस्तों इसमें भी सबसे अहम चीज यह थी कि अशोक लीलैंड के द्वारा उन बसों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया था। इसके अलावा भारत के अंदर ट्रकों और बसों में पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल भी सबसे पहले अशोक लीलैंड के ही द्वारा किया गया था। दरअसल इस कंपनी ने 1969 में ही अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर
पावर स्टीयरिंग लगाना शुरू कर दिया था, जो कि उस समय एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। और दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अशोक लीलैंड ने मजबूत ट्रकों व बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों के सेगमेंट में अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाना शुरू कर दिया, और इसी के चलते लोगों का इस कंपनी पर भरोसा बढ़ता गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सेना के लिए वाहन बनाने वाली सबसे प्रमुख कंपनी भी अशोक लीलैंड ही है। असल में सन 1970 के दौरान इस कंपनी को सेना के लिए 10,000 हिप्पो ट्रक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके चलते अशोक लीलैंड ने भारतीय सेना के लिए ऐसे मजबूत ट्रकों का निर्माण किया जो कि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते थे। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक यही कंपनी ही भारतीय सेना के लिए ट्रक बना रही है। और फिर दोस्तों, इसी तरह से समय के साथ धीरे धीरे यह कंपनी सफलता की तरफ बढ़ती चली गई। सन 1980 में कंपनी ने तमिलनाडु के होसूर शहर में अपना एक नया प्लांट बनाया, जहां पर और भी ज्यादा बड़े और भारी कॉमर्शियल व्हीकल्स का निर्माण शुरू किया गया। इस प्लांट में मुख्य रूप से मल्टी एक्सल बसें व ट्रक बनाए गए, जो कि कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही बेहद सफल रहे। और दोस्तों, इस तरह से बसों और ट्रकों जैसे भारी कॉमर्शियल व्हीकल्स के निर्माण में सफलता हासिल करने के बाद से यह कंपनी कंस्ट्रक्शन और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के भी फील्ड में उतरी, और इसके लिए इस कंपनी ने साल 2011 में अमेरिका की हैवी इक्विपमेंट निर्माता जॉन डियर के साथ में हाथ मिलाया और देश के निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बड़े व छोटे वाहनों का निर्माण भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, इस फील्ड में भी यह कंपनी इतनी ज्यादा सफल रही कि आज देश के अंदर अशोक लीलैंड के ही कंस्ट्रक्शन वाहन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों, अशोक लीलैंड फिलहाल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता और 10वीं सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी कहलाती है, जहां भारत समेत दुनिया भर में इसके 9 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। अशोक लीलैंड आज सिर्फ पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक बसों की भी सबसे प्रमुख निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी यही कंपनी बनाती है। अब आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि इस समय इस कंपनी की ऑनरशिप भारत के हिंदुजा ग्रुप के पास में है, जिन्होंने साल 2007 में अशोक लीलैंड के मेजोरिटी स्टेक्स खरीदकर इस कंपनी का स्वामित्व हासिल कर लिया था। और जब से यह कंपनी हिंदुजा ग्रुप के हाथों में गई है, तब से इसके आगे बढ़ने व तरक्की करने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई है। और अगर यह कंपनी इसी तरह से आगे बढ़ती हुई तरक्की करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अशोक लीलैंड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक व बस निर्माता कंपनी बन जाएगी। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।